आज के मैच पे बात कर लेते हैं। आज जिम्बाब्वे टाकरा दूसरा टी20 दूसरा मैच जो है वो आज खेला जा रहा है और कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़ती पहले से हासिल है। इतवार के रोज खेले गए मैच में पाकिस्तान ने मेजबान जिम्बाब्वे को 57 रन से शिकस्त दी थी। तो आज दोनों टीमें जो है बुलवायम में एक बार फिर मद मुकाबल तो आएंगी, लेकिन दूसरे टी20 के लिए पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। क्या यही प्लेयर्स अच्छा खेल पेश कर पाएंगे और किस तरह का खेल होगा आज का, क्या तवक्कोआत हैं? हमाद सदीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। थैंक यू वेरी मच हमाद भाई, कोई तब्दीलियां नहीं की गई हैं, क्या समझते हैं कि इसी टीम के साथ हमें मैदान में उतरना है, क्या कामयाबी समेट पाएंगे, क्या तवक्कोआत हैं आपको? देखिए, तब्दीलियां इसलिए नहीं की गई कि हमने ये बिल्कुल यंग साइड न्यू लुक साइड आपको खिला दिए और इनको भरपूर मौका मिलना चाहिए, पहली बात तो ये। और बिल्कुल सही है, पहले मैच जीत लिया तो विनिंग कॉम्बिनेशन कोई भी ब्रेक नहीं करना चाहता, सीरीज जीतना चाहता है। कल को ये ना हो कि जनाब आप सीरीज जीत सकते थे, आपने क्यों तब्दीलियां कर दी, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी मैं ये कहूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा एक एतराज ये हुआ कि पाकिस्तान, देखें टीम तो अपनी बड़ी अच्छी खिला रहा है, लेकिन वो विक्ट्री मार्जिन जो है वो कोई इतना कॉम्प्रिहेंसिव कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं हमें नजर आ रही। हम जिम्बाब्वे टीम से जिसकी कहीं रेटिंग भी नहीं आती, उसके अगेंस्ट भी अगर हम क्लोज मैच हो, वो उनकी विकेट जो थी तीसरी विकेट की पार्टनरशिप, दे वर 77/2 और बहुत आराम से क्रूज कर रहे थे विक्ट्री उनको, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले 31 रन पे उनकी 8 विकेटें गिर जाएंगी। तो वो जाहिर है क्यान मुकीम उनसे बिल्कुल पिक नहीं होते, लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइना मैन बॉल, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है लेकिन ये चाइना मैन, जिस तरह ऑफ स्पिनर दूसरा बॉल करता है ना, ऑफ स्पिन अंदर आती है टर्न होकर राइट बैट्समैन, ये बाहर की जानिब निकलती है ऑफ स्पिन, तो ये लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स, इसको हाथ से पिक नहीं कर पा रहे वो, और वही है कि वो उनको स्टंप कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, क्रीज से बाहर भी ड्रैग करके स्टंप हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा। अब्रॉड ऑन दी अदर हैंड मैं कहूंगा लकी थे, उनको जो विकेट मिली है ना वो इतनी खास नहीं नजर आई, वो लकी थे कि उनको विकेट्स मिल गई। अच्छा। यस, पाकिस्तान की बैटिंग देखी जाए तो डाउन द ऑर्डर तैयब ताहिर और इरफान खान नियाज़ी जिनको कहा जा रहा है ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, बिल्कुल कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर टॉस जीतते हैं हमाद भाई, आपके ख्याल में क्या फैसला होना चाहिए और कितना टोटल होना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत काबिले जिक्र हमने अभी तक लीड नहीं ली मैच जीतने के बावजूद। लेकिन जुनैद, आजकल की जो मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट हो रही है उसमें 250 रन हो रहे हैं इवन इन 2020, तो हमारे पास वैसा स्कोर बोर्ड पे लगाने के लिए हमें पावर प्ले का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर प्ले में अगर हम 50 रन ही करते रहेंगे जहां टीमें 70-80 रन कर रही हैं, तो वो तर्ज की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मैं कहूंगा कि दोबारा बैक करें अपने आप को, टॉस जीतते हैं फिर बैटिंग पे, लगाएं बोर्ड पे 200 से ज्यादा रन और फिर दूसरी टीम को छोटे से छोटे टोटल पे आउट करके एक बड़ी विक्ट्री नजर आए, ताकि पता चले ना कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है। अगर आप इन टीमों से इतना क्लोज मैच जीतेंगे तो फिर अच्छी टीम से तो मुकाबला नहीं होगा, तो ये तैयारी है कि अच्छी टीम्स के अगेन हम अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करें और हमारे पास वो मॉडल हो कि हमने 200+ रन बोर्ड में लगाने और फिर उसको डिफेंड किस तरह करना है। तो सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से स्किल्स है, आगाज है अच्छा, नए यंगस्टर्स को हमने मौका दे दिया, तो इनको मैं बार बार यही कहता हूँ कि इनको पूरा मौका मिलना चाहिए, यानी कि एक आध सीरीज के बाद सीनियर खिलाड़ी वापस आ जाए तो आप इनको इग्नोर कर दें। इनमें जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी सीनियर के ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करें कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये जगह लेने के लिए तैयार है, बल्कि एक आध मैच में पहले इनको खिला दें ताकि उनके जहन में ये चीज क्लियर कि जी हम परफॉर्म करेंगे तो हम टीम में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमाद भाई, ये तो आज के मैच की बात हो गई कि हमारी टीम जो है वो किस तरह से क्या स्ट्रेटजी अपनाकर मैदान में उतरो, किस तरह से वो विन कर सकती है। अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है ब्लाइंड टीम के हवाले से, जो कि ब्लाइंड क्रिकेट बोर्ड ने जो एक फैसला किया है कि अब दोनों टीमों को जो मेज़बानी जो भारत से ले ली गई है, और आने वाले दिनों में भी भारत जो तब तक मेज़बानी नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तमाम मामलात हैं वो ठीक नहीं हो जाते, जो वेन्यू हैं वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो वो खेला जाएगा और दुबई ही शायद रखा जाए, तो क्या समझते हैं कि भारत को इससे कोई सबक मिलेगा, कोई लचक, कोई बेहतरी कुछ होने जा रहा है, या फिर भारत जो है वो जिस तरह से अपनी अजली एक हठधर्मी पर बरकरार है वही रहेगी? लेकिन पाकिस्तान को अपना एक स्टांस जो है वो देना था, वो पाकिस्तान ने दे दिया, लाइन ड्रॉ कर दी है पाकिस्तान ने, आईसीसी इसको मानता है, भारत अपने जोर से इसको नहीं मनवाता, वो और चीज़ है। लेकिन हम हमेशा से बात करते हैं पाकिस्तान को डिग्निटी एंड ऑनर के साथ अपने डिसीजन सारे लेने चाहिए, यानी कि हर दफा हम ही उनकी बात माने, हम बिल्कुल हक पे हैं और हमें उस पर कायम रहना चाहिए। दो टोक मौकफ बार बार वो कहा जाता है, मोहसिन नकवी ने दिया, बिल्कुल सही दिया जी,
और इसमें उन्होंने कहा कि जी हम जख्म तक सहने को तैयार हैं, अपने मुल्क की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। तो इस पर खड़े रहना है, ये नहीं कि स्टेटमेंट देने के बाद में बैकआउट कर लें। और जो फॉर्मूला दिया गया है, टाइम क्रिकेट तो खैर चलें ठीक है, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी की जब बात करते हैं, जो फॉर्मूला दिया गया है वो अगले 3 साल भारत को बहुत हर्ट करेगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता ना तो भारत में 3 मेगा इवेंट्स होने हैं इन 3 सालों में, और उसमें जब और भारत का मैच नहीं होगा तो रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा, क्योंकि रेवेन्यू पाकिस्तान भारत के मैच से ही होता है, और वो जब न्यूट्रल वेन्यूज पे चला जाएगा तो भारत को बहुत इसका डेंट पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो हमारे भाई ये जो वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने फैसला किया है, असली तौर पे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी और दीगर इवेंट्स पे भी यही फॉर्मूला लागू होना चाहिए, आप एग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल का कोई इतना वो अहमियत नहीं है। अगर आप कह भी लें भारत नहीं शिरकत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल होने जा रहा है, उनको ये चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि इससे इतना रेवेन्यू नहीं आता। असल चीज जो है वो रेवेन्यू की है, कि वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे आईसीसी के इवेंट से, जो कि मेन टीम्स है ब्लाइंड नहीं, सही टीम्स जिनकी हम बात करें, तो वहां उनको हर्ट कर रहा है, तो उनको इश्यू वहीं पे आएगा। आप यहाँ पे उनसे मेजबानी ले लें, मेरे नहीं ख्याल कि उनको कोई इतना असर पड़ेगा इससे। फर्क रेवेन्यू में नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए हमारे भाई, तो एक सुबकी का सामना तो होता है। एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आपको कहा जाए कि आपसे मेजबानी वापस ले ली जाएगी अगर आप ये एकदम आपने कदम उठाया है, तो थोड़ी सी सुबकी तो महसूस होती है, जो कि भारत भी बेशक महसूस कर रहा होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले 3 सालों में भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो इस वक्त भारत ने किया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्या समझते हैं कि वही सोच कर क्या भारत को कोई फर्क पड़ने वाला है कि आने वाले 3 साल उसके लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं? इशाल, खाली सुबकी का सामना नहीं करना पड़ेगा ये, अगर कोई थोड़ा बहुत अपनी डिग्निटी की बात करे तो बहुत बड़ा ये उनके ऊपर एक डेंट पड़ेगा। और वहां पे उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, टीम को भेजना चाहिए। और फिर पाकिस्तान के अंडर 19 ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस कर दी, इन द ओपनिंग मैच दे बीट आर ट्राइबल्स, वो पाकिस्तान ने बता दिया कि आप खेलते हैं नहीं खेलते, हमारे पास वो टैलेंट है जो हम आपको सारी दुनिया में चैलेंज करते हैं। हम अब क्रिकेट की मेजबानी करने जा रहे हैं, क्रिकेट पाकिस्तान में भरपूर तरीके से वापस आ रही है, और ये पाकिस्तान का राइट है कि पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज करे। ऑन द अदर एंड हम बात करते हैं तो इंडिया डिफेंसिव मोड में तो नहीं होगा, क्योंकि वो जाहिर है रन करता है। बिग थ्री में जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हुआ करते थे, अब इंडिया क्योंकि रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है तो उनकी मानी जाती है, और वो दूसरों को मजबूर कर देते हैं। जब अगर हम हाइब्रिड मॉडल से हटके वोटिंग पे चले गए तो वो उनको मजबूर कर देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इतने हैं ल्यूक्रेटिव आईपीएल के, तो वो उसके मुखालिफ नहीं जा सकते। अच्छा, आज के मैच पर अगर दोबारा आ जाए हमाद भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान ना सिर्फ सीरीज जीतने बल्कि वाइट वॉश करने की पोजीशन में है, और स्ट्रेटेजी इस लिहाज से क्या अपनानी होगी पाकिस्तान को? देखिए, रन्स ऑन द बोर्ड, विनिंग द टॉस एंड ऑप्टेड टू बैट फर्स्ट, फिर रन्स ऑन द बोर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइम अयूब T20 में कोई बड़ी इनिंग हमें तवक्को कर रहे हैं कि ये T20 स्पेशलिस्ट हैं, पावर हिटर हैं, पावर प्ले का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, सर्कल के ऊपर से बड़े शॉट लगाते हैं, तो इनको थोड़ा मैं कहूँगा कि डिलीवर करने के वक्त आ गया, क्योंकि ये इन्होंने वनडे में अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं ना हमारे प्लेयर्स की, तो वो नजर आता है, एक आध इनिंग खेलते हैं फिर गैप आ जाता है, तो आपको इतनी डिफिकल्ट बॉलिंग नहीं नजर आ रही जिम्बाब्वे की। सिर्फ ये है कि पेशेंस आपका, कि आपको विकेट पे स्टे करना है, और शॉट सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। आपको नजर आ रहा है कि आपके अगेंस्ट ट्रैप है, जो पैट एरियाज हैं, जो आपके फेवरेट एरियाज हैं, वहां पे आप शॉट लगाते हैं। ठीक कह रहे हैं कि सोच समझ के, और एक अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको दूसरे प्लेयर्स को कवर करना चाहिए, ना कि उसी गलती को दोहराते हुए वो आउट हो